गुड मॉर्निंग रोडीज, गुड मॉर्निंग। फिनाले बस अब एक कदम दूर है और इस पूरी जर्नी में आपने काफी मुश्किल चॉइसेस किए हैं, जिसकी वजह से आप सब यहाँ हो। यस, तैयार हो जाओ रोडीज फॉर द सेमी फिनाले। सी यू सून। क्या बात है गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। रोडीज वेलकम भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो? एकदम बढ़िया। अक्रम दिख रहा होगा, ये सब सेटअप वेटअप लगा हुआ, क्यों अच्छे बेटा, खेलो खेलो, मैं तो एकदम सेफ हूँ। अच्छा लग रहा है यार, कह रहा पर मेरा करने का मन नहीं आज। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता हम लोग कहाँ खड़े हैं? नहीं सर, स्पीति वैली में। आपने देखे होंगे टिबेटन फ्लैग्स, देखे होंगे राइट, बड़े खूबसूरत से। कितने कलर्स होते हैं उसमें? 5। तो जो 5 चीजें वो सिंबलाइज करते हैं वो है एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई। और जो इन पांचों को सही ढंग से बैलेंस कर गया वो कमाल का रोडी बनता है, और वही फिनाले में जाएगा। आज का जो आपका सेमीफाइनल टास्क है इन्हीं एलिमेंट्स पर बेस्ड है। सबसे पहले शुरू होगा अर्थ। आपने नीचे स्लोप देखा होगा, आपकी हेल्प के लिए एक रोप लगा हुआ है वहां पे। उस रोप की हेल्प से आप ऊपर आओगे। ऊपर आते वक्त आपको जमीन में गड़े हुए 3 रस्सियां दिखेंगी। आप तीनों रस्सियों को खींचोगे, उनमें से एक में ब्रिक बंधी हुई है, ब्रिक आपके हाथ में आएगी तो आपने निकाल कर जो अर्थ का टास्क है पूरा करके आप आगे आओगे। ये किस डायरेक्शन में है? स्काई। स्काई, तो स्काई को देखते हुए उस ग्रिड पे आपको ऊपर चढ़ना है। तो एयर में कूद कर आप नीचे लैंड करोगे, आपको मिलेगा ब्रिक, हो जाएगी। अभी फिर आप आगे जा सकते हो, रैंप फिर क्रॉस करोगे, दूसरा एक जंक्शन मिलेगा जहाँ पे फिर से फायर होगी। बॉल उठाओगे, उसमें फेंकोगे, उसका ब्लास्ट होगा, फायर फिर से रुक जाएगी। फिर आप पहुंचोगे 5वीं स्टेज। आपको ड्रम दिख रहा है, आपको अपना मुंह इस ड्रम में डालना है बॉडी उल्टी करते हुए। ओ यार। और नीचे एक प्लग है, आपको उसको खींचना है। जैसे ही प्लग खींचेगा अब आपके पास 5 ब्रिक्स आ गए। सो 5 ब्रिक्स आप एक बीम के ऊपर रख के बैलेंस करोगे। जब वो बैलेंस बन जाएगा, 3 सेकंड तक होल्ड हो जाएगा, तब आपका ये टास्क पूरा होगा। फिनाले टास्क सेमीफिनाले में डाल दिया, तो अब मैं ये सोच रहा था फिनाले में क्या होगा। 3, 2, 1 मिला। हम दोनों की तीसरी रस्सी में बंधा हुआ था येलो ब्रिक, जो की है अर्थ। यस यस यस। जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मैंने कभी भी लाइफ में इतनी ऊपर से छलांग नहीं मारी है। लवली, सुपर। बात है बारी अग्नि की, जहाँ पे बीच में कई जगह पर आग लगी हुई है, जिस आग को बुझाना है वो बम को डालकर। जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचा, हिमांशु मेरे से थोड़ा सा आगे पहुंच गया था। मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है ऊंची हाइट से। ध्यान से हिमांशु बेटा, पीछे आ जाए हिमांशु, ऐसा इंपैक्ट आएगा ना सर घूम जाएगा। वहां पे श्वेत बाजी मार गया हिमांशु से, और वहां पे श्वेत आगे निकल गया। अरे हिमांशु, 3, 2, 1 तेरी 5वीं ब्रिक कहाँ है? 4 नहीं, 5 है बाबू। 5वां ब्रिक भूल गया।
पांचवा ब्रिक भूल गया तू जा। 3, 2, 1 सुरुडीस। यस सर। मजा आया टास्क में? यस सर, बहुत मजा आया सर। हिमांशु, सो आपका जो टाइमिंग है वो है 3 मिनट्स 29 सेकेंड्स। सेमीफाइनल से आप फाइनल में नहीं पहुंचे हो। आशु, आपने खत्म किया 2 मिनट्स 16 सेकेंड्स में। आप रोडीज के इस सीजन के सेकेंड फाइनलिस्ट हो। थैंक यू सर। ऋषभ, आपने टास्क खत्म किया 2 मिनट्स 41 सेकेंड्स में। आपने किया है 2 मिनट्स 40 हाँ ओ 41 सेकेंड्स में। व्हाट सेम, इट्स अ टाई। चार लोग जाएंगे फिनाले में। चार दफा हम लोगों को बार बार पूरा देखना पड़ा देखने के लिए। इट्स अ टाई। कल कौन फिनाले में परफॉर्म करेगा? आपको कल पता चलेगा। नहीं सर, ऐसे मत करो प्लीज। तो ये रोडीज है, दोनों को कर दो ना। चेहरे पे स्माइल्स के साथ जा रहे हैं लोग। हिमांशु, कोई स्ट्रेस नहीं मेरे भाई, यू शुड बी प्राउड कि आप टॉप 5 में से हो। अच्छी बात है, वोट आउट से नहीं जा रहा, हार के जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, हार के नहीं जा रहा तो खेल के जा रहा है। और क्या खेला है तूने? बहुत अच्छा खेला। थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट यार। Bye, Manshu. So, दो फाइनलिस्ट मिल गए हमें, आशु और प्राक्रम, और दो प्रोबेबल ऋषभ और शिवित, जिनकी किस्मत का पहिया कल डिसाइड होगा कि कौन सा घूमेगा और कौन सा इन्हें फाइनल्स में लेकर जाएगा। कल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। मैं टेंट में वेट कर रहा था श्वेत का आने का, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे उसकी बजाने की, क्योंकि उसने लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला था जस्ट बिकॉज ऑफ गेम। मैं अपना सिर पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने बोला प्राक्रम ने मुझे पहचाना ही नहीं, इतने दिन हो गए थे क्या? डूड, फिजिकली डिस्टेंट रहने का बहुत आदत है मुझे आपसे, बट इमोशनली डिस्टेंट रहने का आदत नहीं है। प्राक्रम, आई रियलाइज दैट आई लव यू डूड। मेरा मकसद बस यही था, वापस आके लोगों को उसका वो साइड दिखाना जो लोगों को पता ही नहीं है। यू आर फ्रेंड्स विद दिस गाय? नहीं है डूड, इसका मुंह देखो, सट्टेबाज है वो। उसको इधर पैसों के साथ खेलने नहीं मिला तो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो धीरे धीरे करके मेरा टेंट सारे एक्सरोडीज से भर गया था। जितने एक्सरोडीज आए थे सारे के सारे मेरे टेंट में बैठ गए थे। एक तरफ से नायरा, दूसरी तरफ से भूमिका, तीसरा दिग्विजय। तूने एक बात बता, ऋषभ को बोला गैरी को उड़ा दो कि नहीं? गैरी को उड़ा दो नहीं बोला मैंने, कहा मेरी और गैरी की लड़ाई होने वाली है बस ये। वो देख उधर, वो साफ बोल रहा है भाई, तू मेरे पे टारगेट मार रहा था। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता, तो लेखा को क्या बोला, एक हॉट लड़की चाहिए अंदर लव एंगल बनाने के लिए, पर तू क्या बोल रहा है मैं बेवकूफ हूं? मैं सच में बेवकूफ थी कि तेरे जैसा बंदा मैंने चूज किया है? चश्मा तुझे लगा दिखता मुझे नहीं है, इसीलिए देखो रिस्पेक्ट देना नहीं आती। तू उस बंदी के लिए बोल रहा है कि मेरे पीछे पड़ी थी, वो दिन भूल गया? बाइक के पीछे कुत्ते की तरह लात टपका के मेरे पीछे पड़ा था पूरे टाइम। आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, आई वाज जेन्युइन। गुस्सा तो मेरा मतलब इतना भरा हुआ था कि मैं मार दी थी उसको जाके, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। अच्छा, आपने मुझे बोला था कि आपके साइड से कुछ भी नहीं है नायरा के लिए। ओहो भाई, यार आपसे क्या बोला था कि नायरा के साथ बाहर जाके देख लेना? हां बाहर जाके देख लेना, कोई सीन नहीं है मेरा नायरा के साथ। आपने बोला था ना, वेरी गुड गुड गेम प्लेड। तू लोगों के साथ पैसे का सट्टा करता है, तू यहाँ पे दिल की फीलिंग के साथ भी सट्टा करने आया है भाई। तू बहुत बड़ा सट्टेबाज है, तू दिल से भी सट्टा करता है, तू पैसों से भी करता है। तेरे को मैंने इसलिए पसंद किया था, तू जेन्युइन लगा, मेरे जैसा लगा, पर तू मेरा जैसा नहीं है। तूने बहुत गंदा गेम खेला है, उसके लिए इंसानियत से ऊपर गेम थी नायरा। इतना गंदा गेम यार शिवित, किसके लिए? मुझे ये बात रियलाइज होती है कि एक्चुअली जो कर्म आप करते हो ना, उस कर्म का नतीजा आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और यही साक्षात हमें दिख रहा था कि इस पूरे जर्नी में शिवेत ने जितने लोगों की बैक बिचिंग करी, जितनी नेगेटिविटी फैलाई, जितने लोगों की मारी, एंड आज वो लोग जब वापस आए हैं तो कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। मैंने सिर्फ एक चीज़ सोच ली थी, इन्हें भौंकने दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जब हाथी चलता है तो ये कुत्ते भौंकते ही हैं।